हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। गाइस सो गाइस आप लोग ये देखिए, हम आए हैं यहाँ पे। सो गाइस हम लोग आए हैं, ये लोकेशन देख के पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। क्योंकि आज मैं घर से निकलते ही वीडियोस नहीं शूट किया था कि क्योंकि रीजन्स ये था गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत दूर आए। आज हम लोग आए तीतरताल, बता दिया आप लोगों को, और देख सकते हो देखो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज आज यहाँ पे होने वाला खूब सारा ज़्यादा मस्ती और बहुत ज़्यादा। वैसे बोर्डिंग तो हम लोग करने वाले नहीं हैं, बिकॉज पहाड़ देख सकते हैं गाइज। और मेरे साथ आए हैं मेरे हस्बैंड, और हम लोग का जो रोज हमेशा सो गाइस हम लोगों का जो हमेशा का होता है घूमने फिरने खाने पीने का, सब कुछ हम लोग साथ लेके निकलते हैं। और अभी हम यहाँ सो गाइस ये सामने आप टायर का झूला देख रहे हो, यहाँ पे बाबू, पता नहीं बाबू क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं इसके साथ झूला झूलूंगी। और एक बार अभी तक झूली नहीं हो तो वो सामने दिख रहा होगा उस पर। और ये देखो कैसा लगा बाबू, वैसे कितना किलोमीटर है यहाँ से अपने घर से? तो गाइस आज हम लोग बहुत दूर आए हैं, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस हम लोग इससे पहले भी आए हुए हैं इस जगह पे, उस बहुत पहले आज से 1.5 साल 2 साल पहले आए थे, तब मैंने ये ब्लॉग शूट किया था मैंने, और उस टाइम हम लोग साड़ी पहन के आए थे। और आज हम आए हैं हस्बैंड वाइफ, तुम्हें जाना आया तो जाओ। सो गाइस अभी मैं जाती हूँ कहीं पे अच्छा अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ा सा छांव में जाना है क्योंकि हम लोग कंटिन्यू ड्राइव करके आए हैं यहाँ। हम लोगों को 40 या 50 मिनट्स मतलब हमें लगे यहाँ आने में कम से कम 1.5 घंटे, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा टाइम लगा गाइस। हम लोग आए हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट करते करते मैं आई हूँ, और अभी भी और शूट करने हैं अच्छे अच्छे। आज तो बाबू के साथ वीडियो शूट करने हैं, और अभी अपने और अभी फ़ोटो शूट भी करना है। यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं एक अच्छे से जगह पे जाऊँ जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगे, और हम लोग फाइनली इस जगह पे आए। बाबू बहुत पहले से, क्योंकि गाइस ये पहाड़ी इलाका है, मैंने 2 बार कंटिन्यू मैंने 2 वीडियोस डाल दिए थे पहाड़ी जगह की, तो ये मेरा तीसरा है। ये भी पहाड़ी जगह है, बट हमने पूरी मतलब ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा पहुँच के डायरेक्ट वहीं का ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। और बाबू कहाँ चले गए? सो गाइस पता नहीं बाबू कहाँ गए, मुझे मालूम नहीं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं, धूप बहुत तेज है इसलिए मैंने अभी सर पे अभी चुन्नी रखी हुई है। और गाइस यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं ना, हमारा नेट इशू हो जाता है यहाँ पे हमेशा। नेट यहाँ पे सबसे डाउन पे है ना, तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है फ़ोन में, तभी हम लोगों को फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मेरे फ़ोन पे भी नहीं है। वो तो मेरा जियो सिम है तो मेरा थोड़ा मोटा चल रहा है, बाबू का तो एकदम ही नहीं चल रहा है। और ये थोड़ा परेशान हो गए कि इनका फ़ोन नहीं चल रहा है, क्योंकि इनके ही फ़ोन से मैं वाईफाई कनेक्ट करके अभी तक वीडियोस बना रही थी। और यहाँ पे कहीं छा नहीं है, बाबू कहाँ चले? अभी इस टाइम हम लोग गाइस में आए हुए हैं, देखो इतना धूप है। इससे पहले आया था ना, बहुत अच्छा अच्छा था ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, अब है ही नहीं। वैसे गाइस नो डाउट बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये, और बहुत ही ज्यादा पीछे इतना अच्छा पहाड़ है, बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा। अभी मैं चुन्नी डाल के अपने दोस्तों फ्रेंडों को दिखा रही हूँ मैं लाल, मेरे को तो बहुत, तो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हाथ में तो दुल्हन बन गई क्योंकि गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरा मुंह भी खराब हो जा रहा बोलते बोलते। पानी में जा नहीं सकते हैं बाबू, चलते हैं पानी में, पानी में जाने के लिए अलाउड है ना बाबू? पानी में तो जा सकते हैं ना,
चलो फिर पानी में मेरी थोड़ी सी छोटी छोटी सूट कर वहाँ पे। वैसे मैंने शूज डाल रखी है आज गाइस, मैं शूज डाल के आई क्योंकि पिछले बार मैं हील्स वगैरह पहन के आई थी, उसमें मैंने डांस किया था तो मेरे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब मैंने आज शूज पहन के आई, ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और गाइस कमेंट्स कीजिएगा आज मैं कैसे लग रही हूँ। वैसे मैंने सूट डाल के आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बीच बीच में सूट डालती रहती हूँ, जीन्स तो डालती रहती हूँ तो रेगुलर का ही है। बट मैंने सोचा कहीं जाऊँगी तो अच्छे से तैयार होके जाऊँगी। और देखो ये फ़ोन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, देखो मेरा फ़ोन तो मैं खुद ही जूम कर तुम्हें खुद ही वो कर रहा है। हाय कितनी गर्मी है, ये देखो गाइस इतनी अच्छी जगह, अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग हर संडे को आते हैं घूमने, हमने इस बार रूल्स बनाया हुआ है कि हर संडे घूमने आएंगे, हर संडे। तो हम लोग हर संडे आते हैं, अपना सब काम हम छोड़ छाड़ के, अपना जो भी है हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घूमने आते हैं, आराम से चिट मारते हैं, हम लोग घूमते फिरते हैं, वीडियो शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं। सोचते हैं कि लाइफ तो देखो जो है एंजॉय करनी चाहिए। हाँ अगर आप रोज़ नहीं जा सकते हो, कभी कभी जा सकते हो तो हमें टाइम मिलता है वीकेंड्स पे। ठीक है मेरे बाल टूट गए, मेरे गाइस मेरे बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। सो हम लोग सोचे कि चलो अब जाएंगे, तो हम लोग आते रहते हैं गाइस। तो ऐसे ही हम लोग अच्छे अच्छे जगह जाएंगे, अच्छे जगह घूम के आपको दिखाएंगे बताएंगे। ये तित्तर ताल है ना, तो गाइस ये तित्तर ताल है, बहुत लोग भाई बहन आए हैं, बहुत लोग नहीं आए हैं, तो मैं बता दूँ ये मोरनी से बहुत आगे पड़ता है, एकदम लास्ट एंड में तित्तर ताल पड़ता है और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा फोटो तो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा सा रील्स वील्स बना लेती हूँ कि आपको सुनाती हूँ। हे एवरीवन, सो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे तित्तर ताल घूमने, बिकॉज गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी हम लोग इधर ही साइड में जहाँ पे थोड़ा सा धूप कम है तो यहाँ पे हम लोग, मतलब हम लोग क्या बाबू मेरी रील शूट कर रहे हैं और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, हम लोग छाँ देख के वीडियोस बना रहे हैं। और यहाँ का लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है, और जहाँ पे लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है बट गाइस वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और धूप तो इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अपने घर से कम 40-45 किलोमीटर दूर है अभी हम लोग, और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो रील्स बनाते बनाते बहुत ज़्यादा पानी की तलब लगने लगी गाइस। तो अभी बाबू लेने गए हुए हैं पानी, तो मतलब सबसे समझ लो गाइस सबसे नीचे हम लोग हैं पहाड़ के, सबसे नीचे एकदम डाउन में है, और यहाँ पे नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरा तो जियो सिम है तो मैं जैसे तैसे मेरा चल जा रहा है। नहीं तो यहाँ आने के बाद मतलब अच्छा है, घूम लिया ठीक है, पिक वगैरह हम लोग क्लिक कर लेते हैं, अगर मेरा रील्स नहीं शूट होता तो मुझे बहुत दुख होता क्योंकि अब इतना दूर हम आए हैं और यहाँ पे हवा इतना अच्छा चल रहा है गाइस, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे और बाबू भी पानी लेके आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा हम लोग, क्योंकि खाने पीने का चीज़ हम लोग हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होता, बस सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि अच्छा अगर प्लेस मिल गया ठीक है, अगर वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है तो भी मुझे ज़्यादा क्राउड में मुझे दिक्कत होती है गाइस। तो फाइनली गाइस भी पानी आ गया, पानी कैसा है, ठीक है पीने का यहाँ कि वो खराब सा है, तुमने नहीं पिया बोलो। हेलो, तो गाइस अभी मेरा तो रील्स ख़त्म हो गया, मेरा तो रील्स मैंने शूट कर लिया है, दो दो चैनल को ऐसे मेंटेन कर रही हूँ। चलो मैं चाहती हूँ दोनों चैनल में से कोई एक चैनल अच्छा सा मेरा चल जाए। और आज मैं कैसे लग रही हूँ गाइस कमेंट्स कीजिएगा, आज मैंने अच्छा सा सूट डाला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल वीडियोस देखना है तो फटाफट गाइस जाइए मेरे रील्स को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, और उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि आज मैंने कौन सा ड्रेस पहना है, और पिक तो आ ही जाएगी, पिक तो आप लोग देख लोगे। और क्या ही बताओ गाइस, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा से अच्छा वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, जिसके लिए मैं रेडी होती हूँ,
रेडी होके आती हूँ, कितना दूर आना पड़ता है, कितने दूर दूर अच्छा अच्छा लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है, कहाँ पे हम जाएँ, कहाँ पे वीडियोज़ बनाएँ। तो गाइस हम लोग कंटिन्यू 3 हफ्ते से एक ही जगह पे आ रहे थे, मतलब एक जगह पे नहीं था, डायरेक्शन अलग अलग था, पहाड़ी जगह था बट जगह अलग अलग था ना। पहले हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग पहले ब्रूच कोटिया गए थे, उसके बाद मोरनी आए, ठीक है, और उसके थर्ड टाइम हम लोग आए यहाँ पे तित्तरताल। और इसके बाद जो हमारा लोकेशन होगा, अभी बीच में हम लोग पिछले संडे हम लोग कहाँ गए थे, पार्क गए थे गाइस, तो हम लोग टपोरी पार्क गए थे, तो वहाँ पर भी गए थे। मतलब हमारा अभी थोड़ा सा लोकेशन चेंज होता रहता है, हम लोग सोचते हैं कि चलो बाहर हफ्ते में एक बार हमें टाइम मिलता है, मैं भी बिजी रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिजी रहते हैं, तो हमें जब टाइम मिले तो हम लोग बाहर जाके अच्छा वीडियो बनाएं, क्योंकि एक ही जगह पे मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, मैं बाहर निकल के वीडियो नहीं बनाती हूँ। और इनको भी बहुत घबराहट होती है चार लोगों को देख के, मुझे भी बहुत घबराहट होती है चार लोगों के बीच में डांस करना, तो मैं कभी ऐसा मैंने डांस नहीं किया है, तो गाइस मेरे को हैबिट नहीं है अभी, और हो जाएगा धीरे धीरे अगर मैं ऐसे करने लगूँगी। ये देखो डॉगी साग है। सो गाइस ये देखो बाबू यहाँ पे खिला रहे हैं लेसिप्स, ये देखो ये बड़ी क्या बोलते हैं वो बच्चा है, और बच्चे की मम्मी है, और ये बाबू है, और ये जगह देखिए, ओ माय गॉड एक और आ गया। सो गाइस ये देखिए बाबू कहाँ यहाँ पे आ गया, देखो मैं तो भाई क्या ही बताऊँ, देखो इतना टफ में आ गए। तो गाइस बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है गाइस, ये देखिए इतना धूप है ना, इतना धूप है गाइस, मेरा कुछ भी एकदम मन गन नहीं रहा है। आ जाओ। तो गाइस ये देखिए कितना ऊपर चले गए, इनको बुला रही हूँ तो देखो क्या कर रहे हैं, लग रहा है ऊपर से छलांग मारेंगे नीचे की तरफ। पिछले साल भी आए थे ना, पिछले साल में मतलब 2 साल पहले भी हम आए थे, तो उस टाइम हम लोग वहाँ पे बोटिंग कर रहे थे, ये ऊपर चढ़े हुए थे, हम इनको खोज रहे हर जगह, फिर बाद में ये आवाज़ दे रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये है कहाँ, इतना ज़्यादा क्राउड था उस टाइम। सो गाइस अभी मेरे ईयरिंग सूट हो गए हैं, बार बार आज मेरा ये ईयरिंग्स गिर जा रहा है खुल के डांस करने पर, थक गए ना इतने देर में ही मुँह लाल हो गया। सो गाइस देखो कैसा लाल, देखो मुँह लाल पीला करा के आ गए तुम, चढ़ गए क्या फ़ायदा था उसमें। अभी मैं झूला झूलूँगा, बच्चों वाला झूला देखा कैसा हो गया, ये देखो गाइस कैसा थका हुआ फेस लग रहा है। सो गाइस इधर बच्चे वाला झूला है, तो फिलहाल उधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, उस वाले पे तो मैं नहीं जाऊँगी और इनमें तो मैं चढ़ूँगी भी नहीं। सो वो तो देख लिए हैं, इधर से दिख रहा है, अभी हम लोग उधर गए थे ना बोटिंग तो दिखाया था, अभी बोटिंग के पास गाइस हम लोग पिछले साल बोटिंग गए थे, बहुत मस्ती किया, बहुत ज़्यादा वाला मस्ती किया था। इस बार हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाइस हम लोग को बहुत डर लगता है, हम लोग अकेले बोटिंग नहीं कर सकते हैं, और कैसा लगा यहाँ पे, कौन सा नंबर, एक नंबर। तो गाइस तो आप लोग बने रहे, अब यहाँ से निकलेंगे तो आप लोगों से मिलते हैं, फिलहाल अभी हमको थोड़ा मोड़ा कुछ रील्स और शूट करने वो कर लेती हूँ, मिलती हूँ, थोड़ा फोटो खिंचा लेती हूँ, अभी तो फोटो मैंने खिंचाया नहीं है, फोटो खिंचा लेती हूँ, मिलती हूँ गाइस। एवरीवन सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी सुबह की 5:30 बज रहे हैं मॉर्निंग, और अभी यहाँ का मॉल भी आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा हुआ, और मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है, वहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा, बिकॉज गाइस मैं कल घूमने गई थी और
बहुत धूप थी और घूमने गई थी तो वहाँ पे मुझे बोलते ना लूप बोलते हैं सबको, मुझे इतना पता नहीं है, मुझे धूप बहुत ज़्यादा लगी और मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी ली थी तो उसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा और फीवर भी आ रहा है। कल से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई मैं, वहीं पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी जहाँ पे मैं घूमने गई थी तित्तर ताल से आते समय मुझे इतना वॉमिटिंग हुई। जब से मेरे को वॉमिटिंग हुए है कल, और वॉमिटिंग होने के बाद ना मतलब फीवर तो मेरे को हो रहा था धीरे धीरे, उसके बाद मेरे को वॉमिटिंग स्टार्ट हुई और जब वॉमिटिंग स्टार्ट हुई उसके बाद तो पूरा शरीर एकदम लगता जैसे कि जान ही नहीं रही पूरा शरीर में, और मुझे फिर जुकाम इतना ज़्यादा हो गया मैं अभी सुबह से मॉर्निंग में ब्लॉग से स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आई, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, जुकाम थी, बुखार भी था, सर में दर्द था। अभी मैंने विक्स वगैरह लगाया जैसे कि जुकाम ठीक हो जाए, बट गाइस ठीक नहीं हो रहा। और अभी हमारे इधर का माहौल भी देख सकते हैं पूरी मतलब मॉर्निंग के टाइम में भी आई थिंक मेरे हिसाब से 5:45 बज रहे हैं, मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है और रूम में इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा गर्मी में छत पे आके बैठी हूँ। मैंने सोचा बैठने से अच्छा आप लोगों से मैं बात ही कर लूँ सुबह सुबह, और मैं अकेले तो बैठ नहीं सकती, और गाइस मेरी तबीयत इतना ज़्यादा, मेरा फेस आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरी रात सोई नहीं हूँ, मेरा एकदम तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक्चुअली हम लोग गाइस बहुत दूर चले गए थे, मतलब मोरनी से भी आगे चले गए थे हम लोग, तित्तर ताल एंड में गए थे, और मुझे पहाड़ी जो जगह है ना वो ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि पहाड़ी जगह में क्या है ना डायरेक्शन मतलब जो रास्ते का जो डायरेक्शन होता है ना कुछ सीधा नहीं होता, ऐसे घूमते फिरते ना मेरे को ना ऐसे ही सर भारी हो गया था बहुत ज़्यादा, और मैंने हेलमेट भी लगाई हुई थी ना, मेरी क्या ही बताऊँ गाइस बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी थी कल तो इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं बस ये मेरी बस शरीर में इतना जान था कि मैं घर तक आ सकूँ, उसके बाद तो हिम्मत नहीं हुई और वहीं पे मैं बीमार हो गई। उसके बाद आने का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई, फिर मैंने सोचा रात को ब्लॉग स्टार्ट करूँ, फिर रात को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर वगैरह स्टार्ट हो गया, सर में दर्द स्टार्ट हो गया, फिर मैंने सोचा चलो मैं कल स्टार्ट करूँगी, पर मैं पूरी रात नहीं सो पाई, मैं बाहर आई हूँ बाहर छत पे, फिर मैंने सोचा चलो बात ही हो जाए, और अभी मैं यहाँ वो लगती हूँ खुद ही पता चल जाएगा, फेस देख के पता चलता होगा गाइस, वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा मतलब मेरे को जुकाम हुआ है ना इतना ज़्यादा, और कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, देख तो इतनी गर्मी होने लगी गाइस, अभी कोई भी नहीं है मतलब कोई भी दिख नहीं रहा छत में, कोई भी मतलब नहीं दिख रहा, बस ऐसे सुनसान सा दिख रहा है, और मेरे हस्बैंड भी लेते ही हैं घर पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं छत पे आई और गर्म पानी पी चुकी हूँ, गुड़ का पानी मतलब गुड़ का चाय, गुड़ डाल के चाय भी पी चुकी है, अभी एक लोग डालते हुए और अभी खाना ले जाओ, और सब लोग अभी से मॉर्निंग है तो गाइस मेरा ये देखिए मेरा फेस कैसा है, मैं आँखों में नींद वही पड़ी है, पर नींद कहाँ से आई है, सर में दर्द नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना पूरा सर का भार मेरे ही आ गया, सो ऐसा ही है गाइस, मेरा सर बहुत भारी हो गया गाइस, बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रही हूँ, अब आज भी इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है ना सुबह सुबह, अजीब सा लग रहा मुझे, ज़्यादा पूरा बैठा हुआ है, पूरा मन नहीं कर रहा ना, घर में बैठने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है गाइस, फीवर भी है, और छत पे आके बैठ गई, मैंने कहा हस्बैंड को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो भी जॉब करते हैं, फिर बार बार वहाँ पे मुझे अगर
दिक्कत होती तो उनकी आंखें बार बार खुल जा रही है, तो मैंने सोचा चलो बाहर छत पे जाके बैठ जाऊँगी। उसके बाद तो फिर अभी उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो उसमें मेरा टाइम चला जाएगा। और अभी देखो अभी कोई भी केमिस्ट की शॉप खुली नहीं, क्योंकि अभी तो सुबह मॉर्निंग 6 बज रहे होंगे और अभी नहीं खुली है। खुली गया समथिंग 9:30 बजे का अराउंड, तब मैं लेके आऊँगी। मुझे गैस मेरे को ना रात को भी मेडिसिन खाई थी मैंने, पर मेरा ठीक नहीं हुआ। मेरे को जुकाम हो जाता ना, मुझे सबसे ज़्यादा कमजोरी मेरी यही है कि जुकाम हो गया तो मैं बीमार बहुत तगड़ी हो जाती हूँ। और कल से मेरे को कुछ ज़्यादा ही जुकाम हो रखी है, जुकाम इतना ज़्यादा है गाइस। तो जुकाम की वजह से मेरा आधा घबराहट पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जुकाम मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, जुकाम नहीं होता गाइस। कैसा हो गया मेरा सुबह सुबह का फेस, पहली बार मैंने इतना सुबह मैंने वीडियोस बनाई होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। एकदम नहीं है यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा, वो कोई भी पूरा रोड में खाई बस गाड़ियाँ चल रही हैं बस, और मेरे भी छत पे कोई नहीं दिखेगा आपको, मैं अकेली पूरे छत पे। और बाबू भी घर पे लेते हैं क्योंकि उनको भी जॉब पे जाना होगा, अब मैं भी 7 बजे सभी उनका खाना वाना मतलब बनाना स्टार्ट करूँगी। और मक्खियाँ भी इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, दुखी कर रखा मेरे को, बहुत बीमार होती तभी सब दुखी करते हैं मेरे को, मन नहीं कर रहा है। एक तो इतनी गर्मी होने लगी गई, इतनी गर्मी ना गर्मी गर्मी की वजह से मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो गई पूरी रात। मतलब एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारा ना छत के नीचे वाला कमरा है, इतना गर्मी भाई इतनी बहुत होती है, मतलब गर्मी है ही है गाइस आजकल, इतनी गर्मी हो रही है ना, अगर फैन नहीं चल रहा है ना तो हम कमरे में भी नहीं रह सकते, इतनी गर्मी होने लगी। अब तो मैं ही चलने लगा, अब तो गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, गर्मी नहीं बर्दाश्त है। और कल इतनी धूप में मैंने डांस वांस किया, मैंने ब्लॉग में अब ब्लॉग अभी आ जाएगा सुबह तक, मैं 10 बजे तक ब्लॉग मेरी आ जाएगी और देख लेना आप, इतनी धूप में मैं डांस कर रही थी। और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे, पता नहीं क्या है, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने बहुत ही मतलब मैंने चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ले रही थी, एकदम मतलब हल्का चिल था बस वो पी रही थी, वो भी बहुत गर्म हो गया था वो। उसके बाद धूप लग गई होगी मेरे को गाइस, इसके वजह से हो गया, ये बहुत गर्मी थी कल भी, बहुत गर्मी थी दिन में, इतना गर्मी थी 1:30 बजे रहे थे अराउंड, हम घर से निकले थे 12:30 बजे, 12:45 निकले थे हम, वहाँ पहुँच गए थे 2:30 बजे पहुँचे थे, 3:30 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, हम लोगों को बहुत टाइम लग गया था जाते जाते, हम रुकते रुकते गए, वीडियोस बनाते बनाते गए, हम लोग वहाँ पे पहुँचे 3 बजे। तीर्थताल बहुत ब्यूटीफुल जगह था, बहुत अच्छा जगह है वो, वहाँ पर कभी जाना अगर जो भाई बहन नहीं गए तो जाना, हमने आज से 2-2.5 साल पहले भी गए थे। और उसके बाद फिर हम मुझे कोई आइडिया नहीं था, हम सोचे कहीं अच्छे से पार्क में जाएंगे और वीडियो शूट करेंगे, पर बाबू ने बोला पार्क तो नॉर्मल है, हम लोग हर पार्क में वीडियोज़ पहले बना चुके हैं, हम अभी से नहीं इस जगह पे, हमें काफ़ी टाइम हो गया, हम बहुत सारे पार्क में गए हैं, तो इसलिए हम बहुत सारे पार्क में गए हुए हैं गाइस, तो हमें पार्क सब पता है, तो कहते थे पार्क में नहीं कहीं ऐसी जगह चलते, हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि हम ये मैंने ब्लॉग में भी बोला, मैंने थर्ड टाइम में फिर से, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग वीकेंड्स पे जो जा रहे हैं घूमने, 2 बार पहले जा चुके हैं, पहले नाम नहीं आ रहा गाइस मेरा, अभी दिमाग नहीं काम कर रहा, पहले ब्रुज कोटिया गए, उसके बाद हम लोग मोरनी गए, और उसके बाद थर्ड टाइम हम गए तीर्थताल, बहुत ईंट में पड़ता है, बहुत नीचे जगह पड़ता है, तो वहाँ जा रहे थे कल हम, मैं कल इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई, मैं तीर्थताल में भी मेरे को घबराहट हो रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, वहाँ पर भी मैं वीडियो ब्लॉग वगैरह शूट किया, एक कोना में मैंने वीडियोज़ बनाई और
तबीयत मेरी वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हुआ। मतलब घबरा, मेरे को जब भी तबीयत ख़राब होती है ना कहीं, मेरे को घबराहट होने लगती है, मुझे चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है। मैं कल से बहुत, फिर उसके बाद ना मैं रास्ते में ना, तो मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को अचानक ना मतलब कोल्ड स्टार्ट हो गया था। कोल्ड स्टार्ट होने के बाद मेरा पता नहीं क्या हुआ, कोल्ड स्टार्ट होने के बाद ना मेरा सर भारी हुआ। जहाँ सर भारी होने के बाद मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मेरे को ना वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा, तो मैं एक जगह रुकी, तो उस टाइम वॉमिटिंग नहीं हुआ, सर भारी हुआ, घबराहट से हो रही थी। फिर एक जगह और फिर रुकी, फिर थर्ड टाइम मेरे को वॉमिटिंग हो ही गया। और जब वॉमिटिंग हुआ उसके बाद पूरी बॉडी एकदम ऐसा लगा कि पूरी, बोलते ना कि बॉडी में जा नहीं रही, और पूरा रास्ता में ऐसे ही आँख बंद करके यही चुन्नी मैंने डाली होगी, आप लोगों ने देख लिया होगा, अब देख लेना ब्लॉग में, सूट डाल के गई थी मैं, इसी चुन्नी को ओढ़ कर मैं पूरे रास्ते घर आई हूँ। इतनी हालत खराब थी, हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे, रात को हम 8 बजे आए, और 8 बजे के बाद मैं आते ही मैं लेट गई और सो गई। मैं 10 बजे उठी हूँ, 1-2 घंटे बाद मैं उठी हूँ। तो मैंने बाबू के लिए थोड़ा डिनर वगैरह बनाया, फिर मैंने खाना नहीं खाया रात को, दवाई थोड़ा सा मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, चाय और बिस्किट के साथ मैंने दवा खा के सो गई। अभी पूरी रात मुझे नींद नहीं है, अभी उठी हूँ, और उठने के बाद मेरा यह हाल आप देख सकते हो, क्या मेरा हाल हो रखा है इस टाइम। अभी थोड़ी देर धूप भी निकलने लगी लोगों, यहाँ पर थोड़ी सी धूप भी आने लगी गाइस। आजकल धूप इतनी जल्दी आ रही है ना, इतनी जल्दी को मेरे पीछे भी धूप का आ रही है, धूप इतनी जल्दी आने लगी ना गाइस, यही बताऊँ एकदम मक्की ना इतना परेशान हो गई है गाइस। अब मेरा मुंह भी देखो कितना सूजा, क्योंकि मेरा ना दांतों में भी दर्द हो रहा है, दांतों में 3 दिन से दर्द हो रहा था मेरा, और इधर इस साइड तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी है अंदर से, दांत में है, दांत वाले डॉक्टर को दिखाने पड़ेंगे। सो गाइस अब क्या ही बताएं, आज का तो हमारा दिन ऐसे ही है, पता नहीं आगे कैसा जाएगा। अभी पहले मैं केमिस्ट का देख रही हूँ, केमिस्ट की शॉप जैसे खुलेगी ना मैं बाबू को भेजूँगी दवा लाने को, क्योंकि बुखार तो नहीं है मेरे को अभी, हल्का हल्का है, हल्का ठंड लग रहा है मेरे को, पर मुझे जुकाम बहुत तेज है, जुकाम की दवाई लूँगी और देखती हूँ गैस तबीयत ठीक होगी तो आज रील्स वगैरह होगी, सूट होगी, ब्लॉग भी आ जाएगी अगर मेरी तबीयत ठीक होगी। और वैसे भी गई इसमें तभी ठीक हो ना हो, मैं तब भी व्यूज़ बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार हो गया है सब चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा ना सब कुछ इसी में मैंने अपनी कुर्बान कर दी है। जैसे भी है मैं इसमें खुश रहती हूँ, बनाती हूँ, खुश रहती हूँ, इंजॉय करती हूँ बड़ेगा, तो मैं इतना ज़्यादा माइंड नहीं करती किसी चीज़ का। मेरे को ऐसा लगता है कि बस मैं ये सब चीज़ करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, वो होना भी चाहिए, अपन लोगों को अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपनी भी खुशी होती है, इंसान को हर एक अलग अलग चीज़ों में खुशी होती है। मुझे रील्स बना के व्यूज़ बना के अपनी बातें बोलती है, अपनी बातें बता के मुझे बहुत खुशी होती है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी नीचे, और सर बहुत भारी हो रहा है, और अभी मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाल के मैंने गरम करके मैंने गले पे लगाया था और पैरों के तलवे पे लगाया था कि मेरे मतलब जुकाम वुकाम ठीक हो जाए, उससे थोड़ा सा हल्का ठीक हुआ। कान में भी डाला था मैंने, अभी देख सकते हैं मेरा कान में ऐसे ऑयली सा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मम्मी बोलती है अजवाइन अगर आपके पास अगर बोलते गार्लिक नहीं है साबुत गार्लिक और उसको पीस पीस करके उसको अगर तेल में अगर हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा तेल में फ्राई करके हाथ पैर में और गले में लगा देते हैं और कान में भी थोड़ा डाल देते हैं, हमारा जुकाम ठीक हो जाता है। और सर भारी जो होता है हमारा जुकाम की वजह से, क्योंकि जुकाम होते तो सर भी भारी होता है, इसकी वजह से हमारा ठीक हो जाता है, अजवाइन से भी हो जाता है। अगर जिसके पास नहीं होता है, हम लोग कभी जिंजर खा रहे हैं, गार्लिक नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास गार्लिक अवेलेबल नहीं था। तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ बट उतना नहीं ठीक हुआ, और ये घरेलू नुस्खे हैं, बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं, मेरे घर में भी एक बच्चा है,
मेरा भतीजा, उसके ऊपर भी वो हमेशा बीमारी होता रहता है, कभी उसको जुकाम, कभी अब तो 9 मंथ का हो गया, कल वो 9.5 मतलब 5 तारीख को 9 मंथ का लग चुका है। अब थोड़ा सा चल फिर नहीं पाता है, अभी बैठता है। और मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ, वो गांव में है, मैं यहाँ पे हूँ, और वीडियो कॉलिंग में देख लेती हूँ, मैं इसमें बहुत खुश रहती हूँ। एक भी तो बच्चा है हमारे घर पे। और सो गाइस, आप लोगों को मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी मॉर्निंग गाइस। तो मैं यहीं से ब्लॉग को समाप्त करती हूँ, क्योंकि अभी जाके घर पे मुझे भी थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना ही लेती हूँ, टाइम भी वेस्ट करना, क्योंकि मैंने तो अब सोना है नहीं, और बाबू ने भी 1-2 घंटे बाद उठ ही जाना है। और मैं तब तक उनका ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब कुछ तैयार कर देती हूँ, कि मैं भी फ्री हो जाऊँ, वो भी फ्री हो जाए, बिल्ली जाए, मम्मी। ये बिल्ली ने बहुत दुखी करा है, बहुत ज़्यादा। देखो इसको सुबह सुबह मेरे को कैसे देख रही है, देखो सुबह सुबह। ये पालतू बिल्ली है गाइस, सब इधर पाल के रखे हैं। तो गाइस अब मैं जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ का माहौल, अभी मतलब मॉर्निंग में दिखाती हूँ। ये देखो हमारे इधर का अभी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, ये देखो कोई भी दिख रहा है गाइस में, हमें आप लोगों को सुन पूरी। इधर हमारे यहाँ मंदिर है शिव जी का, और इधर आप सूर्य नमा कर लो गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मैं चलती हूँ, मैं गाइस चलती हूँ नीचे अपने रूम में, और अब जा रही मैं बाबू में भी नेस्ट वगैरह बनाती हूँ। और ठीक केयर गाइस, ध्यान रखें। और अभी इस टाइम गर्मी में कहीं घूमने जाए तो अपना ध्यान रखें, बिकॉज मेरी गलती थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है मेरी तबीयत ज़्यादा है, उस टाइम भी खराब होगी। और कल मैं ऐसे डाउन होकर आई हूँ ना, हेड डाउन करके मैं आई हूँ, पूरा रास्ता बाबू के शोल्डर पे मैंने ऐसे हेड डाउन कर रखा था, तब से मेरे ना गले में और यहाँ पे पीछे बैक साइड बहुत ज़्यादा पेन होना गई। सो गाइस बाय, टेक केयर। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लोकेशन अच्छा लगा हो, और आप लोग कैसा भी लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और जो जो भाई बहन गए हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करना, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी गए हो, और जो नहीं है तो भी कमेंट्स करना और बताना आप लोग कि वहाँ का घर कैसा लगा आप लोगों को भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जो जगह अच्छा लगता है वहाँ पर मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, और बहुत चीज़ें मतलब जितना मुझे पता होता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं भी चलती हूँ और मिलती हूँ लोगों से अच्छे ब्लॉग के साथ में। आई थिंक मेरे अगर वीडियोस अगर आ जाएगी तो ब्लॉग भी आएगी, और मैं अगर थोड़ा ठीक होती हूँ तो अपडेट आप लोगों को दे दूँगी। और अभी तो देखती हूँ क्योंकि दवा की ज़रूरत है, अभी मैं ये हेड मेरे हेड को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।